सभी जी, सभी को नमस्ते। केंद्रीय औषध के 426वें वेबिनार में आपका स्वागत है। और कुसुम भंडारी जी आ जाएंगी, वो एक बार गायत्री मंत्र और भजन द्वारा कार्यक्रम शुरू करें, फिर जी सुमित्रा गुप्ता जी, फिर प्रवीणा ठक्कर जी, फिर आशा जी। जी सभी को मेरा सादर नमन। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी सतान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा। कुसुम जी, माइक बंद हो गया। तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ये प्रभु भक्ति गीत। किस्मत से मिला है मानुष तन, कोई डूब गया कोई तार गया। किस्मत से मिला है मानुष तन, कोई डूब गया कोई तार गया। कोई कर्मा वाला खट तुरया, कोई पिछली कमाई उजाड़ गया। कोई कर्मा वाला खट तुरया, कोई पिछली कमाई उजाड़ गया। पशु पक्षी कीटाणु बने बने ए मानुष चोला पाया था। विषयों में फसमती मंद हुए ना, विवेक रहा ना विचार रहा। किस्मत से मिला है मानुष तन, कोई डूब गया कोई तार गया। ए मानुष जन्म अमोलक है, कोई विरला लाभ उठाता है। वो इंद्रियों को दमन किया, वो भव सागर से पार हुआ। किस्मत से मिला है मानुष तन, कोई डूब गया कोई तार गया। सत्याविद्या का प्रकाश हुआ जिस प्राणी के मन मंदिर में, सभी उसकी दूरी दूर हुई। उस भगवान का दीदार हुआ, सभी उसकी दूरी दूर हुई। जो भगवान का दीदार हुआ, किस्मत से मिला है मानुष तन, कोई डूब गया कोई तार गया। कोई कर्मा वाला खट तुरया, कोई पिछली कमाई उजाड़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद का अनिल भाई, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो माता सुमित्रा गुप्ता जी आ जाएंगे एक भजन, उसके बाद प्रवीणा ठक्कर जी, फिर आशा रे। हाँ, हमें भी समय दीजिए। पुणे से शशि कोहली। हाँ, सभी को मिलेगा, सभी चिंता न कीजिए। माता धन्यवाद। सुमित्रा गुप्ता जी,
92 ईयर यंग। माता जी माइक खोलो, माता सुमित्रा जी माइक खोलिए। खोलिए, ठीक है, ठीक है जी, बोलिए। नमस्ते जी सबको। एक भजन बोल रही हूँ प्रभु भक्ति का। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरे मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कई नाते हैं तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई रिश्ते हैं तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में रह कर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरे मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। मुझ में रह कर मुझसे पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। दिल में रह कर भूल न जाना, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम्ही तो मेरे दुख के साथी, तुम्ही तो मेरे सुख के साथी। तुम्ही तो मेरे दुख के साथी, तुम्ही तो मेरे दुख के साथी। तुम्ही तो मेरे कष्टों के साथी, कष्ट मिटाना जरूर होगा। तुम्ही तो मेरे कष्टों के साथी, कष्ट मिटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरे मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी नजर का कसूर होगा। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता सुमित्रा गुप्ता जी, हमारे ग्रुप की सबसे
वरिष्ठ मेंबर जिनका 22 अगस्त को जन्मदिन आ रहा है। अब जो आएंगी परवीना ठक्कर जी मुंबई से, फिर आशा आर्य जी तैयार है। सभी को सादर नमस्ते। सुमित्रा माता जी को सत सत नमन। ये उम्र में बिना देखे बाय हार्ट भजन गा लेते हैं, बहुत बहुत उनको अच्छी सोच रहे हैं हम लोग। पीतर सखा है तेरा, जरा मन लगा के देख, अंतकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख, भीतर सखा है तेरा। ऐ इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर जोड़, बाहर की ओर से मुझे भीतर को मोड़ दो, भीतर को मोड़ दो। कर सकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख, अंतकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख। शुद्ध आत्मा से पूछ के रचना का ध्यान कर, नीचे ही झूम जाएगा महिमा का ध्यान कर, महिमा का ध्यान कर। श्रद्धा की देवी रूठी है, उसको मना के देख, अंतकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख। मिलता है सच्चा सुख इन सही उपाय से, मिलता नहीं कदापि अन्योन्य उपाय से, अन्योन्य उपाय से। ईश्वर की वाणी वेद ऐ आजमा के देख, अंतकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख। भीतर सखा है तेरा, जरा मन लगा के देख, अंतकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख। भीतर सखा है तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। माता परवीना जी मुंबई से। अब फरीदाबाद से आएगी आशा आ रहे थे, उसके बाद सरला बजाज जी तैयार रहेगी। नमस्ते अनिल जी, भाई साहब मुझे ध्यान है जी, सबको देख रहा। सभी को सादर नमस्ते। एक प्रभु स्तुति का भजन आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। नमस्ते नाथ अविनाशी, तुम्हें मस्तक लवाते हैं, आनंद पाते हैं। नमस्ते नाथ अविनाशी, तुम्हें मस्तक लवाते हैं, तुम्हारे ध्यान चिंतन में सभी आनंद पाते हैं। तुम्ही सर्वेश स्वामी हो, तुम्ही भू हो भुव स्व हो, तुम्ही सर्वेश स्वामी हो, तुम्ही भू हो भुव स्व हो। हृदय के तार हिलते हैं, जब तब गीत गाते हैं, तुम्हारे ध्यान चिंतन में सभी आनंद पाते हैं। तुम्ही जल में तुम्ही स्थल में, नभो मंडल में व्यापक हो, तुम्ही जल
तुम ही स्थल में नभो मंडल में व्यापक हो, तुम्हारे विरुद्ध वर्णन में ये पक्षी चहचहाते हैं, तुम्हारे ध्यान चिंतन में सभी आनंद पाते हैं। मिलेगी आज अनुभूति हृदय में देव दर्शन की, मिलेगी आज अनुभूति हृदय में देव दर्शन की, अतः हम भक्ति पुष्पों से हृदय मंदिर सजाते हैं, तुम्हारे ध्यान चिंतन में सभी आनंद पाते हैं। उन्हीं का आत्मिक व मानसिक उत्थान होता है, उन्हीं का आत्मिक व मानसिक उत्थान होता है, हटा कर ध्यान विषयों से जो ईश्वर में लगाते हैं, तुम्हारे ध्यान चिंतन में सभी आनंद पाते हैं। वही प्यारे नारायण के जो नर सेवा में रत रहते, वही प्यारे नारायण के जो नर सेवा में रत रहते, दुखी दुख दूर करने में जो अपना घर लुटाते हैं, तुम्हारे ध्यान चिंतन में सभी आनंद पाते हैं। वही है धन्य नर नारी उन्हीं पे ईश अनुकंपा, वही है धन्य नर नारी उन्हीं पे ईश अनुकंपा, प्रलोभन दे के भी जो ना नैतिक स्तर गिराते हैं, तुम्हारे ध्यान चिंतन में सभी आनंद पाते हैं। जिन्होंने पाप की गठरी उठाई वे दबे रहते, जिन्होंने पाप की गठरी उठाई वो दबे रहते, सरल सच्चे सदाचारी सदा सुख पाल पाते हैं, तुम्हारे ध्यान चिंतन में सभी आनंद पाते हैं। नमस्ते नाथ अविनाशी तुम्हें मस्तक नवाते हैं, तुम्हारे ध्यान चिंतन में सभी आनंद पाते हैं। धन्यवाद आशा जी। तो सरला बजा जी आएंगे एक गीत, उसके बाद आज की मुख्य वक्ता श्रुति सत्यदी तैयार रहे, बाकी भजन उसके बाद होंगे। मैं देख रहा हूँ कुशला अरोड़ा जी भी है, कमला हंसी भी है, अमरेश जी भी है, सभी को मौका मिलेगा। आइए सरला बजा जी। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते जी। ओ कर मन पे अधिकार ने तेरा हो गया भजन, कर मन पे अधिकार ने तेरा हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तेरा हो गया भजन, कर मन पे अधिकार ने तेरा हो गया भजन,
कर मन पे अधिकार तेरा हो गया भजन, दिल में भरा है छल कपट होठों पे प्रभु का नाम, दिल में भरा है छल कपट होठों पे प्रभु का नाम, कैसे तुम्हारे दुख में प्रभु जी आएंगे काम, कैसे तुम्हारे दुख में प्रभु जी आएंगे काम, दिल से प्रभु को पुकार ले तेरा हो गया भजन, दिल से प्रभु को पुकार ले तेरा हो गया भजन, आदत पूरी सुधार ले तेरा हो गया भजन, कर मन पे अधिकार ले तेरा हो गया भजन, इस जग में रह के प्राणी जग वालों को न भूल, इस जग में रह के प्राणी जग वालों को न भूल, कांटा न मन चमन में बनना तो बन कहूल, कांटा न मन चमन में बनना तो बन कहूल, आदत बुरी सुधार ले तेरा हो गया भजन, कर मन पे अधिकार ले तेरा हो गया भजन, जिस हाल में है प्राणी उसमें गुजर तो कर, जिस हाल में है प्राणी उसमें गुजर तो कर, जितना मिले प्रभु से उसमें सबर तू कर, जितना मिले प्रभु से उसमें सबर तू कर, इच्छाओं को निवार ले तेरा हो गया भजन, इच्छाओं को निवार ले तेरा हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तेरा हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तेरा हो गया भजन, कर मन पे अधिकार ले तेरा हो गया भजन, कर मन पे अधिकार ले तेरा हो गया भजन, हरे को कर्म त्याग दे फिर देख ले असर, सारे को कर्म त्याग दे फिर देख ले असर, रखते हैं कैसे ईश्वर मन पे तेरी नजर, रखते हैं कैसे ईश्वर तन पे तेरी नजर, भक्ति में मन सवार ले तेरा हो गया भजन, भक्ति में मन सवार ले तेरा हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तेरा हो गया भजन, कर मन पे अधिकार ले तेरा हो गया भजन, कर मन पे अधिकार ले तेरा हो गया भजन, धन्यवाद जी आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सरला जी। एक पुस्तक राम कुमार शालवाले जी ने 70-72 के आसपास लिखी थी, पूजा किसकी और क्यों, ओम प्रकाश त्यागी सार्वजनिक सेवा के मंत्री थे, वो पुस्तक शायद मिल जाए आपको, देखनी चाहिए। स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि जब व्यक्ति ईश्वर विश्वासी होता है तो बड़े से बड़ा पहाड़ जैसे दुख भी उसको छोटा लगता है, इसलिए ईश्वर स्तुति और ईश्वर भक्ति करते रहना चाहिए। इसी विषय पर आज प्रकाश डालेंगे हमारी विद्वान वक्ता श्रुति सेतिया जी। ईश्वर भक्ति क्यों करें, सब करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, एक लकीर के फीके बने तो उसका कारण आर्य समाज के पास होना चाहिए कि तर्क और युक्ति से कि हम इस काम को करें तो क्यों करें, तो उसका जवाब श्रुति जी, उसके बाद आपके कोई क्वेश्चन होगा जवाब देंगी, और आप सभी का स्वागत अभिनंदन, बाकी भजन बाद में। आइए श्रुति सेतिया जी, और आज की मुख्य अतिथि अंजू आहूजा जी चंडीगढ़ से, उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और सभी के भजन बहुत ही मधुर।
अभी बहुत सुंदर भजन अभी आशा जी ने रखा कि तुम्हारे ध्यान चिंतन में सभी आनंद पाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि उस परमपिता परमात्मा के ध्यान चिंतन को करने से हम आनंद ही पाएंगे। हम बड़े लोग तो समझते हैं कि ईश्वर की भक्ति क्यों करें, पर हम कई बार नवयुवकों के सामने या आज के बच्चों के सामने ये विषय रखते हैं कि हम भक्ति किसकी करें और क्यों करें, या हम पूछते हैं कि ईश्वर की भक्ति क्यों करें तो बच्चों के पास समय नहीं होता बताने का, वो चलते फिरते बस यही जवाब, ठीक है जी इस प्रभु ने दुनिया बनाई है उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि आप बच्चों को समझाना चाहते हैं या सरल शब्दों में उनको बताना चाहते हैं तो मैं कुछ अपने विचार आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ उस प्रभु के प्रति। हे इंद्र शासक विश्व के, तुम हो पराक्रम के धनी, हे इंद्र तुम्ही की तुम्हारी शक्ति से ये सारी सृष्टि है बनी, ये सारी सृष्टि है बनी। यहाँ ये प्रश्न हम बच्चों के सामने उत्पन्न करते हैं कि परमात्मा की भक्ति, प्रभु की भक्ति क्यों करें, हमें ईश्वर भक्ति की क्या आवश्यकता है। अरे बंधु, हम जड़ पदार्थों अथवा अल्प मनुष्यों की भक्ति क्यों ना करें, ईश्वर भक्ति से हमें क्या लाभ हो सकते हैं। ये प्रश्न वास्तव में बड़ा ही विचारणीय और गंभीर प्रश्न है। और शास्त्र कहता है कि जो जिसकी भक्ति करता है वह तद्रूप हो जाता है, जो जिसका चिंतन करता है वो उसी के रंग में रंग जाता है, जो जिसका अधिक ध्यान करता है वो उसी के स्वभाव को ग्रहण कर लेता है। आप जिस चीज के पास अधिक रहेंगे उसका स्वभाव आप ग्रहण कर लेंगे। ये छोटा सा उदाहरण आप समझ लीजिए, जैसे एक लोहे के गोले को हम गर्म करते हैं, अधिक समय तक गर्म अग्नि में रहने पर पहले वो गर्म होगा, फिर गर्म होकर वो अग्नि में रहने पर लाल हो जाएगा, और फिर लाल होने से तद्रूप अर्थात अग्नि का रूप ग्रहण कर लेगा। इस प्रकार जो मनुष्य जिस चीज या जिस चीज की वस्तु का अधिक ध्यान करता है वो उसी के रंग में रंग जाता है। इसलिए यदि हम मनुष्यों की भक्ति करते हैं तो इसमें संदेह नहीं कि हमारे अंदर उपास्य देव के गुण आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। क्योंकि मनुष्यों सारे के सारे ही अल्प ज्ञानी होते हैं, सभी मनुष्यों में कोई ना कोई कमजोरी होती है, इसलिए स्वाभाविक है कि मनुष्यों की पूजा और भक्ति करने से जहां जहां उनके अवगुण हम ग्रहण कर लेंगे ना, वहां वहां हमारे अंदर उनके अवगुणों के साथ साथ उनकी बुरी बातें भी आ जाएंगी। जड़ पदार्थों की पूजा करने से मनुष्य के अंतर सूक्ष्म विचारों का नाश हो जाता है, क्योंकि वह जड़ से न्यायी जड़ बन जाता है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं अंधंतमा प्रविशंति ये विद्या मुपासते, यजुर्वेद में बड़ा ही सुंदर लिखा है, यदि जड़ पदार्थों की पूजा करने से आपको शांति मिल सकती है तो जो सबसे अधिक धनी है या जो सबसे अधिक यश प्राप्त व्यक्ति है वो कदापि दुखी ना होता। पूजा के लिए आर्य बंधुओं आवश्यकता है एक महाशक्ति की, भक्ति के लिए आवश्यकता है एक सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान पाप नाशक शांति के भंडार परम पिता परमात्मा की, आवश्यकता है एक शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले सच्चिदानंद की। और वेद भगवान कहते हैं परमात्मा शुक्र है अर्थात आनंद स्वरूप है, वह घावों आदि कलेशों से रहित है, दुख नाशक है, सुखों का दाता है परमपिता परमात्मा, वो निराकार है, वो आवरण से मुक्त है, वो रोग रहित है, वो असनावरी अनावरसरी है अर्थात वो किसी नस नाड़ी के बंधन में नहीं बंधा हुआ, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वो शुद्ध पवित्र है, वो पाप रहित है और मनुष्यों को पाप कर्मों से मुक्ति देने वाला है, वो कवि अर्थात अंतर्यामी है, वो सृष्टि का हर्ता कर्ता और धर्ता है। वेद भगवान कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति और पूजा करके मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। हम उस सर्वशक्तिमान की पूजा करते हैं, हम उसकी अपनी हृदय से पूजा करते हैं, प्रेम से भक्ति करते हैं, तभी तो हमारी आत्मा को बल मिलता है, हमारी आत्मा पुष्ट हो जाती है। और वेद भगवान क्या कहते हैं, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवा, कि जड़ पदार्थों की पूजा करने से आत्मा को कभी भी बल प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वरीय नियम है आर्य बंधुओं कि जहां जीवन होता है वहीं से दूसरों को जीवन मिला करता है, जहां शक्ति होती है वहीं से दूसरों को शक्ति मिला करती है।
और जड़ पदार्थों में जब जीवन ही नहीं है तो उसकी पूजा करके एक चेतन आत्मा को कैसे वो जीवन पा सकता है, उसे क्या बल मिलेगा, क्या ढाढ़स मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि भक्ति के योग्य केवल और केवल एक ही परमपिता परमात्मा है, और अज्ञानी लोग अज्ञानतावश जड़ पदार्थों की पूजा करते रहते हैं। और उपनिषद आगे क्या लिखा है, उपनिषद में श्रोत्रस्य नेत्रम मनसो मनो यदाचो हवाच स उप्राणस्य प्राणः। परमपिता परमात्मा ही आत्मा के नेत्रों का नेत्र है, परमात्मा ही आत्मा के मन का मन के समान जिसे कहते हैं हमारी आत्मा, परमात्मा जो है कहीं आत्मा की वाक्य शक्ति है, परमात्मा ही आत्मा का प्राण धार है। इसलिए वेद भगवान कहता है यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, अर्थात आत्मा को अपनाने को आत्मा परमात्मा को अपनी आत्मा में अनुभव करिए, वही हमारा कर्ता धरता है, उसी को अनुभव करते हुए दिन रात उसकी शरण में उसकी भक्ति में अपने आप को रमा दीजिए, और यही आत्मा का जीवन है। और मैंने अभी आपको ये प्रश्न करने को कहा था कि ईश्वर की भक्ति की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है। अब हमें पता चल गया है यदि हम जड़ पदार्थों की भक्ति करेंगे तो जड़ की न्याय विचार शून्य, जीवन शून्य, हमारा उत्साह शून्य हो जाता है। यदि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो हम में जीवन आता है, हम में उत्साह आता है, हम में तेज आता है, बल आता है, क्योंकि हम एक साधारण से व्यक्ति हैं, हम अल्प जिसे कहते हैं ना अल्प ज्ञानी व्यक्ति हैं, हमारे विचार हमारा जीवन सब उच्च हो जाता है, हमारा बल भी अल्पज्ञ हो जाता है। परंतु जहां कहते हैं ना ये सारी बातें हम यदि पढ़ें, इन बातों को अपने जीवन में उतारें, परमपिता परमात्मा के सत्य स्वरूप को समझें, तभी हमें पता लगेगा उस प्रभु की भक्ति क्यों करनी चाहिए। प्रभावशाली जीवन का आधार, हमारी आत्मा का आधार सर्वशक्तिमान तेजोमय परमात्मा, हम उसी की पूजा करें, हम उतने ही महान होते चले जाएंगे। अपने ज्ञान के भंडार वेद में, जो हम लोग वेदों को ज्ञान का भंडार कहते हैं, वो भी हमें शिक्षा देते हैं कि मनुष्यों को पदार्थों की पूजा को छोड़कर नित्य प्रति उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। तेजो असी तेजो मय देही, वीर्यम असी वीर्यम मय देही, बलम असी बलम मय देही, ओजो असी ओजो मय देही, सहो असी सहो में देही, कि हे परमपिता परमात्मा मैं तेरी भक्ति इसलिए करता हूँ कि तेरे में तेज है, तेरी भक्ति के द्वारा मैं तेज को प्राप्त कर सकूं। परमात्मा मैं तेरी भक्ति इसलिए करता हूँ कि तू शक्ति है, तू जीवन का आधार है, तू सहन शक्ति है। मैं तेरी भक्ति इसलिए भी करता हूँ कि तू सबको यथावत फल देने वाला है, मैं तेरी भक्ति के द्वारा इस न्यायशीलता को ग्रहण कर सकूं। ये सारी प्रार्थना हम उस परम पिता परमात्मा से नित्य प्रति यदि हम करते हैं, हमारा जीवन उन्नत हो जाएगा। और अभी हमने वेद की बात करी, वेदों में भी कितने प्रमाण हमारे को मिलते हैं, मनुस्मृति की पुस्तकों में मिलते हैं। संस्कृत भाषा यदि आप नहीं जानते, वैदिक विद्वानों के पास जाइए और समझने का प्रयास कीजिए, उस परमात्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास कीजिए। और स्वामी देव दयानंद जी के ऋण से कभी हम ऋण नहीं हो सकते। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्य विनय की जो रचना करी थी उसमें यही लिखा था, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव रखने वाले जो उपासक हैं और साधकों के लिए ईश्वर की भक्ति स्तुति प्रार्थना की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। और हम सभी धर्म प्रेमी सज्जन हैं, हमें इस पुस्तक का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। और स्वामी दयानंद जी से पहले जितने भी हमारे भ्रमपूर्ण मान्यताएं आई, कोई ग्रंथ हमारे आए उपलब्ध थे हमारे को, उनको हम जिन्होंने पढ़ा है, उन्होंने अंग्रेजी और ये अध्याय बेकार की बातें पढ़कर लोग नास्तिक बनते चले गए। पर स्वामी देव दयानंद जी की कृपा देखिए हम सबके ऊपर, दयानंद ने एक शिक्षित और ज्ञानी तार्किक मनुष्य के सभी संभावित प्रश्नों को सामने रख दिया और सामने रखकर सभी भ्रमों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने इन प्रयासों में अपने जो प्रयास किए, सत्यार्थ प्रकाश लिखा, आर्य विनय पुस्तक लिखी, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी, इस सभी पुस्तकों में उन्होंने कितना सुंदर लिखा है। ऋषि दयानंद के ग्रंथों ने विश्व के सभी मनुष्यों को अपूर्व कल्याण किया है। लेकिन ये बात बड़ी कष्टदायक प्रतीत होती है कि स्वामी जी के ग्रंथों से जितना लाभ हमें उपकार उठाना चाहिए था वो हमने नहीं उठाया।
और उन्होंने भी लिखा कि ईश्वर की स्तुति भक्ति क्यों करनी चाहिए, और उन्होंने उत्तर में लिखा कि ईश्वर की स्तुति करने से उससे प्रीति व प्रेम, उसके गुण उसके स्वभाव को जानना और उनको जानकर अपने गुण कर स्वभाव को सुधारना होता है। अरे बंधुओं, जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो हमारे गुण स्वभाव जो हमारे अंदर है, हम परम पिता परमात्मा के गुण स्वभाव को देखते हैं, हमारे गुण स्वभाव भी सुधर जाते हैं, हमारे में बहुत बहुत सुधार हो जाता है। और जब हम राम जी, कृष्ण जी के, दयानंद के जीवन सहित महापुरुषों के, ऋषियों के जीवन पे विचार करते हैं तो स्पष्ट होता है कि महापुरुषों के जीवन का निर्माण, वैदिक साहित्य का स्वाध्याय, ईश्वर की भक्ति स्तुति उपासना, इन सभी बातों का परिणाम था। तो हमारे को भी लाभ उठाना चाहिए इन महापुरुषों के ग्रंथों को, जो उनकी बातें हैं उनको अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। कितना सुंदर उनका जीवन था। कुछ लोग पौराणिक बंधु हैं, वो राम जी को, कृष्ण जी को प्रभु का अवतार मानते थे, उनकी उपासना स्तुति करने के लिए कहते थे, ये उचित नहीं है। राम और कृष्ण ये कोई परमात्मा के वो नहीं थे, अवतार नहीं थे, ये तो मैं कहूंगी उच्च कोटि की श्रेष्ठ आत्माएं थी। और अपने जीवन के सुधार और निर्माण के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान सर्वअंतर्यामी सृष्टिकर्ता ईश्वर की प्रार्थना उपासना और स्तुति किया करते थे। वो प्रतिदिन स्वाध्याय करते थे, किसी विषय के चिंतन मनन की ओर ध्यान देते थे। ये बातें जो है हम लोग को नहीं समझ आती, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान भरा हुआ है, अविद्या भरी हुई है। ऋषि दयानंद ने अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करने का प्रयास किया है। आवाज आ रही है ना भाई साहब? हाँ जी, हाँ जी, आज ये परिणाम हम सभी के सामने है कि वेद के सत्य अर्थ को, ईश्वर और जीवात्मा के जितने भी विषय हैं हमारे सामने, हमारे ज्ञान हमारे सामने उपलब्ध हैं। इस आधार पर स्वामी जी ने स्तुति करने की बात हमारे को उपलब्ध कराई, और स्तुति होने से, हमारे ईश्वर की भक्ति होने से जीवात्मा और मनुष्य के अविद्या के सभी दोष दूर हो जाते हैं, आत्मा की उन्नति हो जाती है, हमारे अंदर वो रहस्य जो था, बातें छुपी हुई थी, वो बाहर निकल कर आती हैं, हमें नया नया ज्ञान उपलब्ध होता है यदि हम स्वामी दयानंद लिखित पुस्तकों का स्वाध्याय करें। हमारे बंधुओं, ईश्वर जो है बहुत महान सत्ता है, महानतम सत्ता जिसको कह सकते हैं। और आर्य समाज के प्रथम नियम में स्वामी जी ने लिखा, सब सत्य विद्या पदार्थ, जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। और ये सिद्धांत बिल्कुल सटीक है, विज्ञान की कसौटी पर 100% सत्य है ये नियम। आर्य समाज का नियम विज्ञान का पोषक है, ईश्वर सर्वज्ञ है। स्वामी दयानंद जी ने ईश्वर की स्तुति प्रार्थना के लिए बहुत सारी बातें लिखी है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि परमात्मा सब में व्यापक है, शीघ्रकारी है, बलवान है, हम सब उसी की भक्ति किया करें। ईश्वर अकाय है, वो शरीर नहीं करता, उसमें कोई छिद्र नहीं, नस नाड़ी नहीं है। बंधुओं, ईश्वर की स्तुति की का एक नमूना जो है हमें स्वामी देव दयानंद के शब्दों में क्या दिखाई देता है, जब मैंने थोड़ा स्वाध्याय किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने क्या लिखा दयानंद जी के शब्दों में आपको बताना चाहूंगी। ईश्वर से प्रार्थना हमें इस प्रकार करनी चाहिए, यदि हम उसकी भक्ति सच्चे दिल से करते हैं, हे अग्नि अर्थात प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आपकी कृपा से जिस बुद्धि की उपासना विद्वान ज्ञानी और योगी लोग करते हैं, उसी बुद्धि से युक्त आप हमको इस वर्तमान समय में बुद्धिमान कीजिए। आप प्रकाश स्वरूप हैं, कृपा करके मुझ में भी विद्या और ज्ञान का प्रकाश स्थापित कीजिए। आप अनंत पराक्रम से युक्त हैं, इसलिए मुझे भी कृपा कटाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिए मेरे अंदर। आप बलयुक्त हैं, इसलिए मुझ में भी बल धारण करने का सामर्थ्य दीजिए। आप दुष्टों को अच्छी बुद्धि देने का प्रयास करते हैं, मैं भी कई दुष्ट कर्म ऐसे करता हूं, मुझे भी इन अपराधों से दूर कीजिए। हे दयानिधि परमपिता परमात्मा, मेरे मन में जागृत अवस्था में मेरा मन दूर दूर तक हो जाता है, मेरे सोते हुए मन को सुषुप्त प्राप्त होता है और स्वप्न में दूर दूर जाने का व्यवहार करता है। सब प्रकाशों के प्रकाशक, मेरा मन शिव संकल्प वाला बन जाए, मेरा मन किसी पशु को किसी मनुष्य की हानि करने वाला ना बने। स्वामी देव दयानंद जी के
ग्रंथों में इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं उस ईश्वर के प्रति हैं, जिनको हम इन प्रार्थनाओं को करने से हम पर ब्रह्म परमात्मा से मेल कर सकते हैं, उससे मित्रता कर सकते हैं, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। यदि हम यम नियमों का पालन करते हैं तो उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य कर सकते हैं। वेदों में इस प्रकार की जीवन की उन्नति के कल्याण के कई सारी ऐसी असंख्य प्रार्थनाएं लिखी गई हैं जिनकी गणना करना असंभव है। इसलिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उस परमपिता परमात्मा की ही भक्ति कीजिए जो इतना महान है। आप उससे कई तरह की प्रार्थनाएं यदि करते हैं तो आप देखेंगे आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। मैंने आप सभी के समक्ष अपने विचार रखे, स्वामी देव दयानंद के थोड़े से विचार में स्वाध्याय कर पाई वो मैंने आप सभी के समक्ष रखे। इसलिए अपने बच्चों को भी समझाने का प्रयास कीजिए, जड़ पदार्थों की पूजा ना करके बच्चों को कहिए कि उस ईश्वर की प्रार्थना करें, उस ईश्वर की स्तुति करें। और कहते हैं ना, प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में वास कर चाहे वन को जाए। और कहते हैं भक्ति करने के लिए कोई भेष धारण करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही घर छोड़कर वन में जाकर रहने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता तो केवल एक चीज की होती है और वो परमात्मा के सच्चे प्रेम की। इसलिए आप सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ उस परमपिता परमात्मा से सच्चा प्रेम करके देखिए, क्यों इस भक्ति में तू लग जा फिर सभी सुख पाएगा, मिट जाएंगे सब दुख संकट, आनंदमय हो जाएगा तू, आनंदमय हो जाएगा। अपने संकटों को दूर करना चाहते हो, सभी सुख जीवन के प्राप्त करना चाहते हो तो उस ईश भक्ति में लग जाइए आप। क्योंकि क्या कहता है कवि, शुभ कर्म करने के लिए सद्बुद्धि पाने के लिए, तज कर निराशा को पुनः उत्साह लाने के लिए, बल प्राप्त करने के लिए शुभ ईश दर्शन के लिए, हे मेरे मन कर ध्यान प्रभु का श्रेष्ठ गुण गाने के लिए, श्रेष्ठ गुण गाने के लिए। तो आप सभी से मैं यही विनती करूंगी कि आप उस परम पिता परमात्मा की ईश भक्ति में लगाइए अपने जीवन को, निराशा आपके जीवन से दूर हो जाएगी। छोड़ दीजिए जड़ पदार्थों की पूजा करना, आपका जीवन भी जड़ न्यायी बन जाएगा। और कवि क्या कहता है दो पंक्तियों के बाद, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ईश भक्ति में मन को लगाया करें, ईश भक्ति में, ईश भक्ति में मन को लगाया करें, ईश भक्ति में परमानंद मन में पाया करें, परमानंद मन में ही पाया करें, ईश भक्ति में मन को लगाया करें, ईश भक्ति में मन है चंचल बड़ा काबू आता नहीं, मन है चंचल बड़ा काबू आता नहीं, दास जब तक तू इसको बनाता नहीं, दास जब तक तू इसको बनाता नहीं, प्राणायाम से मन वश मिलाया करें, ईश भक्ति में मन को लगाया करें, ईश भक्ति में यम नियम आदि जो योग के अंग हैं, यम नियम आदि जो योग के अंग हैं, पालन करने के इसके भी जो ढंग हैं, पालन करने के इसके भी जो ढंग हैं, करके अभ्यास जीवन में लाया करें, ईश भक्ति में मन को लगाया करें, ईश भक्ति में परमानंद मन में ही पाया करें, परमानंद मन में ही पाया करें, ईश भक्ति में मन को लगाया करें, ईश भक्ति में। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आप सभी उस परमपिता परमात्मा की भक्ति अवश्य करें और अपने बच्चों को भी समझाएं कि उस ईश्वर की ही भक्ति में अपना जीवन सार्थक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर श्रुति जी।
इतने खुदा हैं इस खुदा की खुदाई में, इतने खुदा हैं इस खुदा की खुदाई में, किस किस खुदा के सामने सजदा करे कोई। पहले हम जब बचपन में पैदा हुए छोटे थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और श्री कृष्ण दो ही महापुरुषों की चर्चा हुआ करती थी, लेकिन आज अलग अलग तरह के भगवान बना के इंसान ने खड़े कर दिए मंदिरों में, जो कि पूरे हिंदू धर्म के लिए समस्या है। तो हमें केवल राम और कृष्ण को मानते हुए और एक ईश्वर की उपासना करते हुए अन्य अवतारों से बचना चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म को फाड़ दो फाड़ करने का एक षड्यंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि फेसबुक लाइव है तो इतनी बात इशारों में कही जा सकती है। अब मैं माता कृष्णा गांधी जी, जो बहुत बड़ी उच्च कोटि की विदुषी हैं, जिनका दो चार दिन में हम टाइम लेंगे, आज जुड़ी हुई हैं, तो अपना आशीर्वाद भी दे श्रुति को, हम सबको एक भजन भी प्रस्तुत करें माता कृष्णा गांधी जी। हमारे चंडीगढ़ से रमेश चंद बाबा जी भी हैं, उनका भी स्वागत है बहुत बहुत। आइए माता कृष्णा गांधी जी। हाँ जी, आओ जी। नमस्ते जी सबको। आज एक देशभक्ति का गीत पीएम मोदी पर बोलना चाहती हूँ, आशा है आप सभी को अच्छा लगेगा। ऐ मेरे पीएम मोदी, ऐ मेरे पीएम मोदी, सबसे प्यारे हो मोदी, सबसे प्यारे हो मोदी, तुझ पे देश कुर्बान, तुझ पे सब कुर्बान। ऐ मेरे पीएम मोदी, ऐ मेरे पीएम मोदी, सबसे प्यारे हो मोदी, तुझ पे देश कुर्बान। तू ही सबकी आबरू, तू ही सबकी आरजू, तू ही सबकी जान, तू ही देश की शान। ऐ मेरे पीएम मोदी, सबसे प्यारे हो मोदी, सबसे न्यारे हो मोदी, तुझ पे देश कुर्बान, तुझ पे सब कुर्बान। तेरी आनी से जो आए उस लहर को है सलाम, तेरी आने से जो आए उस लहर को सलाम, दिल को छू कर रह गई जो उस लहर को है सलाम, सबसे प्यारी तेरी करनी, सबसे अच्छा तेरा काम, तुझ पे सब कुर्बान। ऐ मेरे पीएम मोदी, सबसे हो प्यारे मोदी, तुझ पे देश कुर्बान, तुझ पे सब कुर्बान। नाम में तेरे है जादू, तुझ पे है सबको यकीन, नाम में तेरे है जादू, तुझ पे है सबको यकीन, तेरी कथनी और करनी में फर्क कोई है नहीं, जो तू कहता कर दिखाता, तेरी सच है जबान, तुझ पे सब कुर्बान। ऐ मेरे पीएम मोदी, सबसे हो प्यारे मोदी, सबसे हो न्यारे मोदी, तुझ पे देश कुर्बान, तुझ पे सब कुर्बान।
खुद को तूने समझा सेवक और जनता को बड़ा, खुद को तूने समझा सेवक और जनता को बड़ा, गंदगी न रहने देंगे अपने भाषण में कहा, गंदगी न रहने देंगे अपने भाषण में कहा, साथ तेरे चल पड़े हैं, साथ तेरे चल पड़े हैं, बच्चे बूढ़े और जवान, तुझ पे सब कुर्बान, तुझ पे सब कुर्बान, तुझ पे देश कुर्बान, ऐ मेरे प्यारे मोदी, ऐ मेरे पीएम मोदी, तुझ पे देश कुर्बान, तुझ पे सब कुर्बान। समय देने के लिए बहुत धन्यवाद माता जी, आपने अपनी भावना व्यक्त की, आपका धन्यवाद। अब जो रचना वर्मा जी अमृतसर से आएंगे एक भजन, उसके बाद अंजू आहूजा जी तैयार हैं, फिर भजनों की श्रृंखला, चाहे उमा मेघलानी जी हो, चाहे कमलेश जी हो, चाहे कमला हंस जी हो, चाहे शोभा जी, सभी को मौका मिलेगा, बहुत टाइम है हमारे पास। आपने मेरे को समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी, आइए रचना वर्मा जी आइए। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। धन्यवाद तेरा करती भगवन, मुझे भक्ति के रंग में रंगने दो जो मानुष का मुझे जन्म दिया, उसे शुभ कर्मों से भरने दो। धन्यवाद तेरा करती भगवन, शुद्ध बोधि संचार दिया जो, ओ शुद्ध बोधि संचार दिया जो, गुण तेरे प्रभु गालेंगे हम, गुण तेरे प्रभु गालेंगे हम। ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया हमें, उसको तो अपनाने दो जो मानुष का मुझे जन्म दिया, उसे शुभ कर्मों से भरने दो। धन्यवाद तेरा करती भगवन, अज्ञान हटा दो, सन्मार्ग दिखा दो, अज्ञान हटा दो, सन्मार्ग दिखा दो, हर कदम तुम्हारा साथ रहे, बस गिर गिर के संभलते रहे सदा, हमें मंजिल तक पहुँचाही तो जो मानुष का मुझे जन्म दिया, उसे शुभ कर्मों से भरने दो। धन्यवाद तेरा करती भगवन, मानुष तन मोल खजाना, मानुष तन मोल खजाना, धन दौलत सब दे देंगे हम, धन दौलत सब दे
निर्धन की मदद कर, ते रहना इतनी सी छोली भर ही दो जो मानुष का मुझे जन्म दिया, उसे शुभ कर्मों से भरने दो। धन्यवाद तेरा करती भगवन, शुभ कर्मों का फल ये पाया, शुभ कर्मों का फल ये पाया। मानुष जोनी में मैं आया, मानुष जोनी में मैं आया। चौरासी वाले बंधन से प्रभु अब तो मुझको मुक्ति दो जो, मानुष का मुझे जन्म दिया, उसे शुभ कर्मों से भरने दो। धन्यवाद तेरा करती भगवन। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी। अब जय माता ईश्वर देवी जी अलवर से आ जाए, उनका स्वागत है। नमस्ते जी, अनिल जी नमस्ते जी, अगर समय हो तो एक भजन का देना। हाँ जी, हाँ जी जरूर। हाँ जी, माता ईश्वर देवी जी तीन बार। मेरे प्रभु, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही है, बोलिए। मेरे प्रभो परम पिता, तुम गुणों की खान हो, तुम अनादि तुम अनंत, पूज्य तुम महान हो। मेरे प्रभो परम पिता, तुम गुणों की खान हो। चंद्र सूर्य से विशाल लोग तुझ में है बसे, चंद्र सूर्य से विशाल लोग तुझ में हैं बसे। प्राणियों के प्राण तुम सर्व शक्तिमान हो, प्राणियों के प्राण तुम सर्व शक्तिमान हो। मेरे प्रभो परम पिता, तुम गुणों की खान हो। कौन सा वो कर्म जो न किया जा सके, कौन सा वो कर्म है जो न किया जा सके। सब जगह सदैव जब तुम ही विद्यमान हो, सब जगह सदैव जब तुम ही विद्यमान हो। तुम अनादि तुम अनंत, पूज्य तुम महान हो। नित्य भोज
तुम विधाता दाता तुम दयानिधान हो, तुम विधाता दाता तुम ही दयानिधान हो। मेरे प्रभु परम पिता तुम गुणों की खाने हो, ढूंढने तुम्हें ही मैं क्यों गया प्रयाग में, ढूंढने तुम्हें ही मैं क्यों गया प्रयाग में। वो हृदय में पाएगा जिसको सच्चा ज्ञान है, वो हृदय में पाएगा जिसको सच्चा ज्ञान है। मेरे प्रभु परम पिता तुम गुणों की खान हो, तुम अनादि तुम अनंत पूज्य तुम महान हो। बहुत सुंदर भजन, माता ईश्वर देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा जी भी हैं, कृष्णा बहुजा जी भी हैं, प्रवीण आर्य जी भी जुड़ गए हैं। अब पहले आज के मुख्य अतिथि सुदर्शन चौधरी जी भी देख रहे हैं, तैयार हैं, सबको मौका मिलेगा। पहले आज के मुख्य अतिथि अंजू बहुजा जी चंडीगढ़ से, फिर आप सबके भजन जी। आइए अंजू जी। हाँ जी जी, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्रज भ्राता सम्मानीय डॉक्टर अनिल आर्य जी, और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कालका आर्य समाज के मंत्री श्री आदर्श जी, और आज की जो मुख्य वक्ता बहुत सुलझी हुई वक्ता सम्मानीय श्रुति जी, जिनका बहुत सुंदर उद्बोधन आप सभी ने अभी सुना, और समक्ष उपस्थित मेरे बहुत ही आदरणीय भ्राता आचार्य रमेश चंद्र बाबा जी, और सभी उपस्थित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय आर्य आर्याओं धर्मात्माओं सभी को मेरा वंदन अभिनंदन। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यह चल रहा है हमारे अग्रज भ्राता माननीय डॉक्टर अनिल आर्य जी के पुरुषार्थ से। कोरोना काल से जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ, ये अनवरत अभी तक चल रहा है, बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं सर्वप्रथम तो इनको साधुवाद देती हूँ कि आपने हम सभी को एक सूत्र में पिरोया हुआ है अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, और ये बहुत सुंदर कार्यक्रम मैं सुन रही थी। बहुत सुंदर सुंदर माताओं ने भजन सुनाए हैं, और श्रुति जी का भी बहुत सुंदर उद्बोधन हमने सुना। आइए, जो आज का विषय है ईश्वर भक्ति क्यों करें, मैं भी इसी पर 5 मिनट के लिए अपने 5-7 मिनट जो लगेंगे विचार देना चाहूंगी। तो जी, सभी से निवेदन करूंगी अन्य सभी से कि कृपया अपना अपना माइक ऑफ रखें, जिससे कि आवाज सभी को स्पष्ट सुनाई दे पाए, कोई व्यवधान ना आए आवाज में। हम ईश्वर भक्ति क्यों करें, बहुत सुंदर प्रश्न है। सर्वप्रथम तो हमें यह जानना चाहिए कि हम कौन है। क्या मैं ये दिखाई देने वाला शरीर मात्र शरीर हूं, तो उत्तर निकल कर आता है कि नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं, क्योंकि मैं ये कहती हूं कि ये मेरा शरीर है। और हम देखते हैं प्राय कि जब मृत्यु हो जाती है तो भी ये आंख नाक कान हाथ पैर सब पड़े होते हैं, लेकिन उनको मेरा कहने वाली जो शक्ति थी वो निकल चुकी होती है। अर्थात हम ये शरीर नहीं है, हम एक जीवात्मा है जिसे परमेश्वर ने अनेक
जन्मों के शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये मानव का तन प्रदान किया। और क्यों प्रदान किया, इसका उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? तो हमारे जो हम संध्या के मंत्र बोलते हैं, संध्या करते हैं, उसमें एक समर्पण मंत्र आता है, हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया अनेन जप उपासना आदि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन। अर्थात हमारे चार उद्देश्य हैं कि धर्म पूर्वक अर्थ कमाते हुए उनसे अपनी कामनाओं की पूर्ति करें और मोक्ष को प्राप्त करें। हमारा अंतिम उद्देश्य लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। मान लीजिए कि ये चार पृष्ठ हैं किसी पुस्तक के, तो हमने क्या किया कि पहला पन्ना और आखिरी पन्ना तो हमारा फट गया, धर्म भी गया, धर्म को भी भूल गए हम, मोक्ष को भी भूल गए हम, केवल और केवल अर्थ और काम में उलझे हुए हैं इस समय। चाहिए क्या कि हमें चारों पन्नों का ध्यान रखना है, ईश्वर ने हमें चार पन्ने देकर भेजे जीवन में, तो उन चारों पन्नों का, पृष्ठों का हमें ध्यान रखना है, धर्म का भी ध्यान रखना है, अर्थ का भी ध्यान रखना है, काम का भी ध्यान रखना है और मोक्ष का भी ध्यान रखना है। हम त्रैतवाद के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। त्रैतवाद का सिद्धांत क्या है, एक परमात्मा है जो सत्य चेतन और आनंद स्वरूप है, दूसरी शक्ति क्या है, आत्मा जीवात्मा जो हम सब हैं, तीसरी शक्ति है प्रकृति। अब जीवात्मा भी सत्य है, चेतन है, और जो प्रकृति है वह केवल सत्य है, वह चेतन नहीं है। अब जीवात्मा के पास दो ही गुण हैं, सत्य और चेतन, जबकि परमात्मा क्या है, सत्य चेतन और आनंद स्वरूप है। जीव आत्मा के पास इस आनंद की कमी है, अभाव है, वह इस आनंद को प्राप्त करना चाहता है। आनंद को दो तरीके से वह प्राप्त कर सकता है, इस शरीर में रहते हुए जीवात्मा सशरीर ज्ञान सहित उस परमात्मा के आनंद को योग साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकता है, और शरीर रहित और ज्ञान सहित वह मोक्ष की स्थिति में मृत्यु के बाद, मतलब ऐसे हमारे शुभ कर्म हो जाएं इतने इस जीवन में कि हमें वो ईश्वर के सानिध्य में वह जीवात्मा विचरण करे, तो ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन हमने क्या किया, हमने धर्म और मोक्ष को तो भूल गए, अर्थ और काम में उलझ कर हम विषय वासनाओं की तरफ उलझ गए, प्रकृति के भोग विलासों में उलझ गए, और वहां से हमें क्या मिला, वहां से तो हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होनी। जो ये पंखा चल रहा है मुझे अभी सुख दे रहा है, तो थोड़े दिनों बाद सर्दी की ऋतु आरंभ होगी, ये पंखा मुझे दुख देने लग जाएगा। जो रोटी मुझे मेरा पेट भरने के लिए, दो रोटी मैं खाती हूँ तो सुख देती है, मैंने तीसरी रोटी खा ली तो वही रोटी मुझे दुख भी दे रही है। अर्थात प्रकृति के जितने भी साधन है उनके पास आनंद नहीं है, वो जहां सुख देते हैं तो वो दुख भी देते हैं। ये जो सुख है वो हमारे लिए लोहे, वो सोने की बेड़ियां समझ लीजिए, और जो दुख है वो हमारे लिए लोहे की बेड़ियां हैं। हमने तो केवल और केवल आनंद की प्राप्ति करनी है, जो हमारी आत्मा को चाहिए, जो ईश्वर ने हमारे जीवन का उद्देश्य निर्धारित करके हमें भेजा है। तो वो कहाँ मिलेगा बताइए, अगर मुझे मिठाई लेनी है तो मैं हलवाई की दुकान पर जाऊंगी तभी मुझे मिठाई मिलेगी। यदि मैं कपड़े वाले की दुकान पर जाकर कहूँ कि भाई साहब मुझे 1 किलो रसगुल्ले तोल दीजिए या 1 किलो बर्फी दे दीजिए, तो वो हलवाई मुझ पर हंसेगा। या मैं कपड़े की दुकान हलवाई के पास जाकर मैं कपड़ा मांगने लग जाऊं कि मुझे 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो वह भी मुझ पर हंसेगा। तो हमें जो चीज जिसके पास है उसी से ही प्राप्त हो पाएगी। तो वो परमात्मा जो है सच्चिदानंद है, उसके पास आनंद का भंडार है। यदि हमें आनंद चाहिए अपने जीवन में तो हमें उसकी शरण में जाना पड़ेगा, उसकी भक्ति करनी पड़ेगी, उसकी उपासना करनी पड़ेगी, उसका स्तुति गान करना पड़ेगा, तभी हमें आनंद मिल पाएगा। तो और बहुत सुंदर शब्द वेद मंत्रों में, बहुत सुंदर एक क्रम है। आप ये ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का जो तीसरा मंत्र है, या आत्मदा बलदा,
यस्य विश्वोपास्ते प्रश्नम यस्य देव यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु। ये मुझे क्रम बहुत सुंदर लगता है कि जहां ईश्वर की छाया है वहां तो अमृत प्राप्त हो रहा है। उस प्रभु की छाया में जाइए, आपको आनंद मिल रहा है, आपको सुरक्षा मिल रही है, आपका रक्षण हो रहा है, वह प्रभु आपके ऊपर अपनी दया बरसा रहा है, आनंद बरसा रहा है। और जैसे ही हम उसकी छाया से दूर हुए तो मृत्यु रूपी दुख या दुख रूपी मृत्यु हमें घेर लेती है। तो बहुत सुंदर क्रम यहाँ पर आया शब्दों का कि जैसे ही वो ईश्वर की छाया बीच में से हटी तो यस्य मृत्यु, कि अर्थात हम ईश्वर की छाया से हटते ही दुखों में कलेशों में कष्टों में घिर जाते हैं। तो हमें क्यों क्यों भक्ति करें, सबसे पहला निकल कर आया कि हम आनंद की प्राप्ति करने के लिए ईश्वर की भक्ति करें। दूसरा निकल कर आया कि हम दुखों से निवृत्ति पाने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए, कलेशों को दूर करने के लिए ईश्वर की भक्ति करें। और भक्ति का भी एक, हम भक्ति को भी गलत तरीके से ले लेते हैं। हम भक्ति का मीनिंग समझ लेते हैं कि हमने थाली में दीपक जलाया और किसी मूर्ति की हम उसकी आरती उतारने लगे और ये हमारी भक्ति हो गई। यह भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है कि यह आत्मदा का जो मंत्र है उसका अर्थ करते हुए महर्षि लिखते हैं, भक्ति अर्थात उसकी आज्ञा का यथावत पालन करना। तो अर्थात हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करें तभी हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। और मैं ये कहती रहूं ओम 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 ओम, लेकिन मैं ईश्वर की एक भी आज्ञा का पालन ना करूं तो मैं उसकी भक्ति नहीं कर रही। तो हम देखें कि ईश्वर की आज्ञा क्या है, कहाँ है ईश्वर की आज्ञा। तो ईश्वर की आज्ञा सब ईश्वर सारी आज्ञाएं ईश्वर की वेद में निहित हैं। जब सृष्टि का निर्माण किया ईश्वर ने तो सृष्टि के निर्माण के साथ ही एक संविधान के रूप में उसने समस्त ज्ञान कि हमने क्या करना है, समस्त निर्देश कि हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से नहीं रहना है, क्या चीज माननी है, क्या चीज नहीं करनी है, वह सभी निर्देश उसने वेद में दिया। तो वेद हमें पढ़ना चाहिए, वेद का स्वाध्याय करना चाहिए और उसके अनुसार ही हमें जीवन जीना चाहिए, तभी ईश्वर की हम भक्ति कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो लोग कैसे ईश्वर की भक्ति करें। तो इसका भी एक साधन है, कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। ईश्वर जहां सर्वअंतर्यामी है वहीं सर्वव्यापक है, वहीं साथ ही साथ सर्वअंतर्यामी होते हुए वह हम सबके हृदय में विराजमान है, अंदर है। और जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उससे पहले हमें वह प्रेरणा देता है। यदि कोई शुभ कार्य है तो हमारे मन में वह ऊर्जा देता है, खुशी देता है, उमंग देता है, अर्थात ईश्वर का आदेश है हम इस कार्य को कर दें। यदि कोई हम बुरा कर्म करने जा रहे हैं तो वो हमारे हृदय में एक भय, शोक और लज्जा का अनुभव कराता है, प्रेरणा देता है कि नहीं ये कार्य गलत है, तू इसे मत कर। तो इस तरह से हम उसकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं, उसकी आवाज को सुन सकते हैं। लेकिन कब सुन सकते हैं, जब उसकी भक्ति करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके साथ बातें करेंगे, उसका सानिध्य करेंगे, उसकी साधना करेंगे, तभी तो हम उसकी आवाज सुन पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि तद्दूरे तद्वंत के वो ईश्वर तो मेरे पास है, मैं ही उससे दूर हो जाता हूँ। क्यों? अपने अज्ञान, अल्पज्ञता, अबोधता के कारण मैं समझता हूँ कि ईश्वर तो मेरे से बहुत दूर है, वो किसी मंदिर में बंद पड़ा है। जबकि ऐसा नहीं है, ईश्वर तो हमारे हृदय के अंदर है, हमें ही जरूरत है अपनी अज्ञानता को, अबोधता को, अल्पज्ञता को हटाने की। तो जब हम अपनी अज्ञानता, अबोधता, अल्पज्ञता को दूर करते हैं तो वो ईश्वर हमें निकट नजर आने लगता है और वो उसके आदेश भी हमें स्पष्ट नजर आ जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि वही मेरा सबसे सच्चा मित्र भी है, बंधु भी है, सखा भी है, स नो बंधुर जनिता, आया ना मंत्र में कि जो सातवां मंत्र है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का, स नो बंधुर जनिता, वही मेरा सबसे सच्चा मित्र है।
वही मुझे हाथ पकड़कर झिंझोड़ देता है कि तू ये गलत दिशा में जा रहा है। वही मुझे जब शुभ कर्म करने जाती हूँ तो मेरे मन में उमंग, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता भर देता है। तो मैं उस कार्य को कर दूं ईश्वर की आज्ञा मानकर, और जब मेरे मन में भय, शोक, लज्जा आए तो मैं उस दुष्कर्म से दूर हो जाऊं। तो जब हम इस तरह से ईश्वर की आज्ञाओं को मानने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न करने लगते हैं कि जब ईश्वर को हम अपना मित्र मान रहे हैं तो वो हमें दुख देता ही क्यों है, हमें हमारे पास दुख आता ही क्यों है, क्या वो हमें मित्र होते हुए दुख से दूर नहीं कर सकता? कर सकता है वो दूर, वो हमें प्रेरणा दे रहा था, हमने नहीं सुना। हमें दुख जो प्राप्त हो रहा है वो हमारे दुष्कर्मों की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो न्यायकर्ता भी है। जहां वो हमारा मित्र है वो न्यायकर्ता भी है, उसके घर में न्याय में कोई कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई सिफारिश नहीं चलती। उसके यहाँ तो आम बोएंगे तो आम मिलेगा, मिर्ची बोएंगे मिर्ची मिलेगी, धान बोएंगे धान मिलेगा। अर्थात जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें कर्म, वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। फिर भी बहुत सारे लोग कह देते हैं क्यों करें फिर, जब हमने अपने कर्मों का फल ही भोगना है तो ईश्वर की क्यों भक्ति करें। वहां पर ऋषि कहते हैं कि जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर का सानिध्य करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, जैसा माननीय भ्राता डॉक्टर अनिल जी कह रहे थे कि पहाड़ के समान दुख भी हमें राई के समान छोटा महसूस होने लग जाता है। ईश्वर की भक्ति में जीवात्मा इतना निमग्न हो जाता है, उसे मान अपमान सुख दुख की अनुभूति खत्म हो जाती है। उसके लिए केवल और केवल वही परमात्मा और परमात्मा का आनंद ही मायने रखता है। तो निकल कर आया कि तीन, अब अंत में सारांश दे दूं कि हमें क्यों उसकी भक्ति करनी है। सर्वप्रथम हमें आनंद की प्राप्ति के लिए, अर्थात जी रहे हैं तो जी इस शरीर सहित ज्ञान सहित आनंद की प्राप्ति करने के लिए भक्ति करनी है, और मृत्यु के उपरांत हमें शरीर रहित ज्ञान सहित मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति करनी है। दूसरा, दुखों से निवृत्ति पाने के लिए हमें उस ईश्वर की भक्ति करनी है, और तीसरा निकल कर आया कि उस ईश्वर की मित्रता पाने के लिए भी हमें उसकी भक्ति करनी है। जब तक मैं कोई संवाद स्थापित नहीं करती तो मित्रता टूट जाती है। कोई भी दो मित्र हैं, यदि लंबे समय तक एक दूसरे से बात नहीं करते तो वो एक दूसरे के बारे में नहीं जान पाते। यदि मैं परमात्मा से उसका आदेश सुनना चाहती हूँ, उसकी प्रेरणा को सुनना चाहती हूँ, तो मुझे मित्र धर्म का निर्वहन करते हुए उससे बराबर संवाद बनाए रखना है, उसकी भक्ति करते हुए, उसकी उपासना करते हुए। और वेद भी कहता है कि ओम वायुर अनिलम अथेदम भस्मांतम शरीरम, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्लिबे स्मर। तो ये जो हमारा शरीर दिखाई देने वाला है ये तो भस्मीभूत हो जाने वाला है, तो हमें क्या करना है, उस परमात्मा की भक्ति अवश्य करनी है। और उस परमात्मा की भक्ति करते हुए यह जीवात्मा उसमें इतना निमग्न हो जाए कि उसे ये संसार के सभी विषय भोग सब तुच्छ प्रतीत होने लगे, सभी रिश्ते नाते तुच्छ प्रतीत होने लगे। मेरा सबसे बड़ा सखा वो बन जाए, मेरा सबसे बड़ा मित्र वो बन, मैं उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाऊं, और उस परमात्मा की भक्ति करते हुए मेरा आत्मा उसके आनंद में सराबोर हो जाए। ऐसा प्रयास हम सभी को अपने जीवन में करना चाहिए। छोटे थोड़े से शब्दों में मैंने ये प्रयास किया कि आप सबके समक्ष इस विषय पर कुछ विचार रख सकूं। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं, आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुना। हाँ जी, ईश्वर भक्ति का भजन भी बनता है। अच्छा जी, अवश्य जी, अवश्य। मैं तो समय की वजह से बोल नहीं रही थी, चलो समय है तो अवश्य बोलूंगी। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान
ध्यान करेगा प्रभु नाम के अमृत रस का, जो प्राणी पान करेगा, जो सुबह शाम निज मन से भगवान का ध्यान लगाए, हृदय रूपी दर्पण का सब जमा मैल धुल जाए, सत्संग ज्ञान गंगा में जो मल मल स्नान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा, प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, विषयों से मन हट जाए, कर जाए व्यसन किनारा, शुभ कर्मों में मन को लगा ले, यदि चाहे कुछ तू सहारा, जैसा तू कर के जाए वैसा भुगतान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा, प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, सारे जीवन का लेखा जब देखेगा न्यायकारी, शुभ अशुभ कर्म सब तेरे आएंगे सभी अगाड़ी, मानव वही पार हुआ है जो नाभिमान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा, प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, प्रभु सत्य न्याय करता है ऐसा उसको पहचाना, कण कण में रमा हुआ है नहीं उसका एक ठिकाना, फिर परमेश्वर से धोखा ना कोई इंसान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा, प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी, ओझा जी, आगे भी आपके लिए आप लेते रहेंगे, आप जो है भजन संध्या की ओर बढ़ते हैं। सभी से निवेदन है कि एक पंक्ति को बार बार ना दोहरा के एक बार बोलें तो 4 मिनट में भजन हो जाएगा, तो 6 भजन हो जाएंगे। पहले हिसार से रेखा गौतम जी, फिर सुदर्शन चौधरी जी, कमला हंस जी बारी बारी से, और सुनीता अरोड़ा जी भी अमृतसर से, सभी को मौका मिलेगा। पहले रेखा गौतम जी हिसार से आ जाए, फिर सुदर्शन चौधरी जी भी आ रहे हैं। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी।
मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे दर्शन दे भगवान, कैसे दर्शन दे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे दर्शन दे भगवान, कैसे दर्शन दे भगवान। हो कैसे दर्शन दे भगवान, कैसे दर्शन दे भगवान। हर कोने में कसम साए की लगी हुई है ढेरी, हर कोने में कसम साए की लगी हुई है ढेरी, नहीं जान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी, नहीं जान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे दर्शन दे भगवान, कैसे दर्शन दे भगवान। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे दर्शन दे भगवान, कैसे दर्शन दे भगवान। हृदय हमारा पिंगल न पाया जब देखा आंधी दुखियारा, हृदय हमारा पिंगल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की छाया, सुखी है करुणा की छाया, कैसे दर्शन दे भगवान, कैसे दर्शन दे भगवान। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे दर्शन दे भगवान, कैसे दर्शन दे भगवान। हो कैसे दर्शन दे भगवान, कैसे दर्शन दे भगवान। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा, अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे दर्शन दे भगवान, कैसे दर्शन दे भगवान। चंचल मन को नहीं पुकारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे दर्शन दे भगवान, कैसे दर्शन दे भगवान। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे दर्शन दे भगवान, कैसे दर्शन दे भगवान। हो कैसे दर्शन दे भगवान, कैसे दर्शन दे भगवान, कैसे दर्शन दे भगवान, कैसे दर्शन दे भगवान। धन्यवाद रेखा गौतम जी। अब आएंगे सुदर्शन चौधरी जी, फिर कमलेश चांदना जी मेरठ से, फिर कमलनाथ जी। मैं भी रहती हूँ अभी अनिल जी। हाँ जी, हाँ जी, जरूर अभी हो जाएगा, 6 बजे नौने का टाइम है, 6:30। आइए सुदर्शन चौधरी जी, सुदर्शन चौधरी जी आ रहे हो? चलो कुशल जी आप आ जाओ। हाँ जी, इसके बाद सुनीता अरोड़ा तैयार है। हाँ जी। देख तेरे ही मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, अरे तू कर उससे पहचान, अरे तू कर उससे पहचान। में बोलनहारा एक उसी को जान, अरे तू कर उससे पहचान, अरे तू कर उससे पहचान। देख तेरे ही मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, अरे तू कर उससे पहचान, अरे तू कर उससे पहचान।
है घट घट में वास उसी का, सूरज में प्रकाश उसी का, सबके ऊपर हाथ उसी का, जीवन में है साथ उसी का, भूल उसे क्यों भटक रहा है, डगर डगर नादान, अरे तू कर उससे पहचान, अरे तू कर उससे पहचान, देख अरे माया के अंधे डाल रहा यम सिर पर फंदे, हरि चरणों में आ जा बंदे, तज दे जग के झूठे धंधे, हो जाएगी ओम नाम से हर मुश्किल आसान, अरे तू कर उससे पहचान, अरे तू कर उससे पहचान, अब तो आवागमन मिटा ले, मानव जीवन सफल बना ले, ज्ञान गंगा में आज नहा ले, ब्रह्म ज्योति में ज्योत मिला ले, भगत सभी प्रभु कृपा से पावे पद निर्वाण, अरे तू कर उससे पहचान, अरे तू कर उससे पहचान, देख तेरे ही मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, अरे तू कर उससे पहचान, अरे तू कर उससे पहचान, तू घट घट में बोलनहारा एक उसी को जान, अरे तू कर उससे पहचान, अरे तू कर उससे पहचान। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुशीला जी। सुदर्शन चौधरी जाएंगे आप? हाँ जी, मैं तो तैयार ही हूँ, आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ बोलिए, आ रही है। एक छोटा सा बोलूंगी लेकिन विद भूमिका के साथ, ये मत समझना लंबा बोल रही हूँ, लेकिन भूमिका बोलूंगी। पहला दुखी संसार ते ओ समझो, जिदी नार ना आ गया कार होवे, दूजा दुखी संसार ते ओ समझो, जेड़ा जन्म तो ही बीमार होवे, ओ तीजा दुखी संसारे ओ समझो, जेड़ा पीढ़ियां तो कर्जदार होवे, ते चौथा संसार ते ओ समझो, जिदा प्रभु दे नाल ना प्यार होवे, ओ जिदा प्रभु दे नाल ना प्यार होवे, क्योंकि भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, मेरे ओम जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, इस जग का सरताज वही, आधार वही, दातार वही है, मात पिता और बंधु सखा जग का ही सब भतार वही है, निर्बलों हाथों का भी वही आसरा है, भगवान जैसा कोई नहीं, मेरे ओम जैसा कोई नहीं, जब सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यारे अगर मुंह मोड़ चुके हैं, इस पर संकट काल या बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हैं, बुरे वक्त में भी साथी परमात्मा है, भगवान जैसा कोई नहीं, मेरे ओम जैसा कोई नहीं, छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार उसे मंजूर नहीं है, बहुत निकट भगवान ओ इंसान, प्रभु तो तुझसे दूर नहीं है, पथिक जो बुलाए वो भी उसे ढूंढता है, भगवान जैसा
कोई नहीं, तेरे ओम जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, मेरे ओम जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, मेरे ओम जैसा कोई नहीं। धन्यवाद भाई साहब। आवाज आई है? बहुत सुंदर आवाज आ रही थी। हाँ जी बहुत बढ़िया। कमलेश चांदना मेरठ से सुनेगी कुछ? हाँ जी मेरा नाम बोला था, अभी आपका नाम आता है इसके बाद। कमलेश चांदना जी आ जाए, फिर कमला जी, फिर कोई नहीं, कमला जी गया तो मैं नेक्स्ट टाइम बोल लूंगी। कमला जी से गवा लीजिए आप, मैं नेक्स्ट टाइम बोलो बोलो आप बोलो। हाँ जी कमला जी पहले आप बोलो। सबको सादर नमस्ते। मेरी एक भजन मैं सुनाऊं? अभी सुना लेना, भी है टाइम हमारे पास। एक ऋषि दयानंद जी का है। हाँ सुना लो, बारी बारी से एक एक सुनाओ। जब तक ऋषि दयानंद जी के हमारे गुरु का जीत ना हो तब तक सत्ता पूरा नहीं होता। हम सभी आज क्या रह गए, हम सभी क्या थे आज क्या रह गए, नैनों से आंसू ऋषि के बह गए, नैनों से आंसू ऋषि के बह गए। पाप की नगरी धरा पर बस गई, पाप की नगरी धरा पर बस गई, धर्म के वो महल सुंदर बह गए, हम कभी क्या थे आज क्या रह गए। सोने की चिड़िया कहा था देश मेरा, सोने की चिड़िया कहा था देश मेरा, हीरे पन्ने मोती मांडिक बह गए, हीरे पन्ने मोती मांडिक बह गए, हम कभी क्या थे आज क्या रह गए, नैनों से आंसू ऋषि के बह गए। वस्त्र दुनिया को कभी जो बांटते, वस्त्र दुनिया को कभी जो बांटते, उनके मुर्दे भी कफन बिन बह गए, हम कभी क्या थे आज क्या रह गए। विश्व के थे हम निरंजन कभी गुरु, विश्व के थे हम निरंजन कभी गुरु, आज्ञा विद्या में हम सभी बह गए, आज्ञा विद्या में हम सभी बह गए, हम कभी क्या थे आज क्या रह गए, हम कभी क्या थे आज क्या रह गए, नैनों से आंसू ऋषि के बह गए, नैनों से आंसू ऋषि के बह गए। धन्यवाद जी आपका, आपने समय दिया। सुनीता अरोड़ा जी आ जाइए, फिर प्रतिभा खुराना जी।
मैं बोलूं मैं सब आओ ब्रदर जी आप आ जाओ, कई दिन से नहीं हुआ आप कई दिनों बाद जुड़े हैं कई दिनों बाद आई आई हाँ जी सात बजे तक जिसके वाले बहुत सुंदर विषय ईश्वर भक्ति कैसे करें। एक छोटा सा गीत, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। देश की सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। याद तेरे को सदा मैं दिल में बसाऊं, आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं, तेरे चरणों में रहे मन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ख्वाहिशें जग की नहीं मुझको सताए, चिंता हर गिज नहीं नजदीक आए, करता रहूं प्रभु चिंतन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। अंतिम पंक्तियां, ऐसी तेरी भक्ति में हम खो जाएं, मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए, सफल हो जाए ये नर्तन मेरा, सफल हो जाए ये नर्तन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। धन्यवाद भाई साहब। आइए प्रतिभा खुराना जी एक भजन। मैं बोलूं? अभी रुको जी, तीन भजन और होंगे, सात बजे तक चलेगा, बाकी जो रह जाएंगे वो परसों। एक दिन में छह वक्त से पहले छह बाद में होते हैं, बारह तेरह के एवरेज है, एक दिन में सबके नहीं हो पाएंगे, एक दिन छोड़कर एक दिन ऊपर रहेगा। प्रतिभा खुराना जी आप आएंगे। सभी आर्यों को मेरा सादर नमन, और अनिल आर्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आज का विषय बहुत सुंदर है, ईश्वर की भक्ति क्यों। तो मेरे अनुसार ईश्वर की भक्ति हमें सुकर्मों से जोड़ती है, हमें धर्म पर चलाती है। तो कहते हैं ना, जन्म के साथी मात पिता हैं, कर्म का साथी कोई नहीं, धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। तो इन्हीं विचारों से, इन्हीं विचारों के तात्पर्य से मेरा भजन है। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन,
उस दाता के बिना हम सृष्टि की कल्पना ही नहीं कर सकते। दाता बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि चलाए कौन, दाता बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन। जो कहते हैं कि जगत अपने आप बन गया, नक्षत्र ग्रहों पर कभी विचार ना किया, आश्रय बिना संभाल के, आश्रय बिना संभाल के अंबर दिखाए कौन, ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, दाता बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन। माता के गर्भ में हुई तैयार मूर्ति, अंगों की ठीक ठीक हो रही है पूर्ति, निर्माण शाला में भला, निर्माण शाला में भला साधन जुटाए कौन, ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, दाता बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन। व्यवस्था कौन कर्म के फल की है कर रहा, किसके प्रबंध में है प्राणी फल को पा रहा, नियंत्रण करता है नियंता, नियंत्रण करता है नियंता के सिवाय कौन, ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, उस दाता बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन। अंतिम है, नीचे तो जल है जल में थल की सृष्टि दी रचा, नीचे तो जल है जल में थल की सृष्टि दी रचाए, सागर के सीने पर हो मानो नाव दी चला, ए देश जल पे माटी की, ए देश जल पे माटी की नैया चलाए कौन, ईश्वर बिना बताइए सृष्टि रचाए कौन, दाता बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, दाता बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया जी से, प्रतिभा खाना जी। अब मेरे से मैं चाहूंगा कमलेश शांतना जी आ जाए। जी आइए, स्वागत है आपके। बच्चे बढ़कर एक प्रभु भक्ति का भजन। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन उसी का है दिया, जो कुछ मेरे पास है वह धन उसी का है दिया, देने वाले ने दिया
और दिया इस शान से, मेरा है ये लेने वाला कहे उठा अभिमान से, मैं और मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया, जो कुछ मेरे पास है वह भी तो रह सकता नहीं, छुड़ जाए यह जन कुछ भी कह सकता नहीं, जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, जो कुछ मेरे पास है वह धन किसी का है दिया, जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जान निकर जी लीजिए, साधना की राह में साधन किसी का है दिया, जो कुछ मेरे पास है वह धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। धन्यवाद अनिल जी समय देने के लिए, बहुत धन्यवाद कुमरी जी। कृष्णा पूजा जी सुनाएंगे प्रशांत व्यास से कुछ। कृष्णा पूजा जी मैं बोल दूं भैया, यदि समय है तो सुनाऊंगी, यदि समय नहीं है तो कोई बात नहीं। अंतिम गीत है आपका, आपका बहुत दिन से नहीं, आ जाइए फिर प्रवीण जी शांति पाठ कराएंगे। प्रतिभा जी परसों आपको समय मिलेगा जो रह गए। कृष्णा पूजा जी प्रशांत व्यास का आज का अंतिम गीत। सादर नमस्कार सभी को, मेरा सादर नमन। समय की कमी के कारण मैं भूमिका नहीं बांधूंगी। ईश्वर भक्ति क्यों करें, उसके जवाब में हम ईश्वर भक्ति अवश्य करें, क्योंकि बिना ईश्वर के संसार में एक पल भी बिताना बहुत कठिन है, क्योंकि ये संसार ये सृष्टि ईश्वर ने ही बनाई है और वही चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। ऐसा सच नियम जही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। ऐसा सच नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने,
वही ये सृष्टि चला रही, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही वापिस बुला रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है, बैठे हैं जो आम की बालियों में, बैठे हैं जो आम की बालियों में, समाए हैं मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सुंदर ईश्वर स्तुति। अभी कृष्णा जी और कृष्णचंद बहुजा जी को भी याद करते हुए नमन करता हूँ। समय हो चुका है, आज जिनको मौका नहीं मिला, परसों 5 से 5:30 पहले उनके भजन होंगे, फिर दूसरों को मौका मिलेगा। प्रवीण जी आए, शांति पाठ कराएं, परसों शुक्रवार मिलेंगे शाम 5 बजे। बहुत सुंदर आज का आयोजन और बहुत ही सुंदर गीत सुनकर मन गदगद हो गया। ऐसे कार्यक्रम निरंतर चलते रहने चाहिए। श्रावणी उपाकर्म सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ संपन्न। ओम देव शांति अंतरिक्ष त्वम शांति पृथ्वी शांति रामा शांति रौषधया शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वम् शांति शांति देव शांति साम शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य अभय वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर विरजानंद जी महाराज की जय। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता की पालन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। सभी को सादर नमस्ते धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 6 अगस्त से 15 अगस्त तक युवा संस्कार अभियान चलेगा। 10 दिन में 45 जगह कार्यक्रम होंगे और नए यज्ञ भी दिए जाएंगे। आप अपने निकट के कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित हों। सभी का बहुत धन्यवाद। सभी बहुत अच्छे कलाकार बन गए हैं जिनको आज अवसर नहीं मिला, परसों पहले उनको मिलेगा। आइए स्वागत है।